हेलो बच्चों, चैप्टर 3 केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण करना, अलग अलग बांटना। ठीक है, कैसे भाई? देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एसिड, पहले एसिड के बारे में बताया हुआ है। एसिड का जो सोर्स है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला बोला गया है ऑर्गेनिक एसिड, आपको दिख रहा है, बुक ओपन करना घर पे बैठ करके, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक क्या होता है? देखो, जो चीज़ नेचर से मिलती है ना, नेचर से सब कुछ मिलता है वैसे, जो चीज़ हमको लिविंग थिंग से मिलती है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इंसान, तो इनसे जो चीज़ हमको मिलती है उसको हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं, कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे भी लेमन जूस होता है ना, तो लेमन जूस जो लेमन से मिल रहा है, लेमन कहाँ से आता है? लेमन आता है पौधे से, प्लांट से। प्लांट क्या है? प्लांट आपका लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो लिविंग थिंग से मिल रही है हमको, उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिसमें कार्बन या कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। समझ जाओ ध्यान से। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब में कार्बन या कार्बन के कंपाउंड पाए ही जाते हैं, और जो चीज़ हम लैब में बनाते हैं या कह सकते हो कार्बन नहीं पाए जाते, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसके बाद सीधा पढ़ेंगे आगे। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है? एसिड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, जानवर से नहीं निकाल सकते, कहाँ से निकालोगे? ठीक है, दैट इज साइट्रिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड, टाइटरिक एसिड, एसिटिक एसिड, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सारे एसिड प्लांट से मिल जाते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनऑर्गेनिक, इनको हम मिनरल से लेते हैं। ठीक है, मतलब लैब में इसको बनाते बनाते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और दैट। ठीक है, देखिए, अब आते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ एसिड। तो उसके मॉलिकुलर कंपोजिशन के हिसाब से बांट दिया गया है। एसिड की बात हो रही है फिलहाल, यहाँ पे एसिड की बात नहीं हो रही है। सॉरी, पहला है हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मतलब ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा और कोई भी एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल ही है, लेकिन उसको छोड़ करके एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा एक नॉन मेटल, जैसे कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड को HI, आई यहाँ पे नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी है, ब्रोमाइड ब्रोमीन है यहाँ पे नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। अब आते हैं ऑक्सी एसिड्स पर, ये क्या होता है? एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन, एक तो उसमें हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी था भाई, वो कंफर्म है। दूसरा एनोदर एलिमेंट, मतलब एक और कोई एलिमेंट होगा, वो मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, और ऑक्सीजन भी होगा, वो तीन होंगे। ठीक है, ऑक्सी एसिड है तो ऑक्सी है तो ऑक्सीजन होगा ही, और हाइड्रोजन तो मस्ट है, वो भी होगा, और एक और एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि HNO3, देखो ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, एन भी है, एच भी है, यहाँ पे कोई एच है, एस है, ओ है। ठीक है, समझ में आ रहा, सल्फर हो सब कुछ है, तो सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अभी हम बेस का भी बात कर दिया है, यहाँ ऊपर तो सिर्फ एसिड की बात कर रहा था, फिलहाल यहाँ पर बेस की बात हो गई है। ठीक है, और बेस सबसे पहले लिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है। देखो, स्ट्रेंथ क्या होता है? सपोज तुम्हारे पास दो अलग तरह के एसिड हैं, यहाँ पे देखो दो एसिड है, मैं यहाँ पे लिखूँ एसिड वन, यहाँ पे लिखूँ एसिड टू, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो ध्यान से। ठीक है, आपने एक स्पून में इसको लिया, इसको भी लिया, दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। ठीक है, दोनों को आपने वाटर सॉल्यूशन बनाया, उनको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, जो पानी में डाला, दोनों को डाला। ठीक है, आपने देखा कि एसिड वन जैसे ही पानी में डिजोल्व हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा एच प्लस आयन रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन, लेकिन एसिड टू जब गया तो वो इसके कंपैरिजन में कम एच प्लस आयन को रिलीज किया। अब दोनों का अमाउंट सेम था कि नहीं? वाटर का अमाउंट भी सेम था, उसके बाद भी जब इसको यहाँ मिलाया गया, इससे ज्यादा एच प्लस आयन को रिलीज कर दिया। मीन्स इस एसिड के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग सारे के सारे टूट गए, सब के सब एच प्लस आयन और बाकी उठा सब में टूट गए, और सब के सब एच प्लस आयन को रिलीज कर दिए। लेकिन इसके साथ नहीं, ये थोड़ा ढीर टाइप का है, इसमें से कुछ टूटे कुछ नहीं टूटे, इस टाइप का था।
तो इसके हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। किसी भी एसिड में कितना HCO+, अब H+ करोगे तो वो बाद में H2O से मिलकर HCO+ बना देगा, ठीक है, वही चीज है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ में आ गया। तो एसिड जो है वो कंप्लीटली किसी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली H+ आयन को डिसोसिएट करते, अलग कर दे, ठीक है, H+ आयन को, या फिर H3O+ आयन बन जाए, एक ही बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है HNO3+H2O, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है वो पानी के साथ मिलकर के देखो HCO+ और NO3- बना रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन ऑलमोस्ट ओनली आयंस, मतलब ये जब मिला ना तो इसे सिर्फ आयंस ही मिले, ये पूरा टूट चुका था, मतलब इस सॉल्यूशन में ओनली आयंस मिले, ये पूरा टूट चुका था। इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। वीक में आते हैं तो वीक के साथ पर रिवर्स है, इज एन एसिड विच डिसोसिएट ओनली पार्शियली इन एक्वा सोल्यूशन देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस या फिर HCO+ आयंस, जैसे कि CH3COOH, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो एसिटिक एसिड को जो हमने यहाँ पे मिलाया तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे इसके पास H, यहाँ पर एक और यहाँ पे तीन, चार H है, लेकिन ये कंजूस था, इसमें सिर्फ H+ को बाहर निकाला, बाकी इसको रोक लिया, इसको बोला इसको नहीं निकालेंगे, देखो एक ही H+ रिलीज किया। तो यहाँ पे इसके पास है तो चार, बट एक ही रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे कम जो है H3O+ आयन बनेंगे या H+ आयन कम रिलीज होंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे वीक एसिड। इसके एग्जाम्पल एसिटिक, साइट्रिक, कार्बोनिक एंड फॉर्मिक एसिड्स हैं, समझ में आया। और बिल्कुल ये सेम कहानी बेस के साथ है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि सारे के सारे बेस पानी में घुलते नहीं, अब पानी में घुलेंगे नहीं तो OH- को रिलीज नहीं करेंगे, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको, ध्यान से देखिए। तो जो पानी में घुलते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सारे बेस की बात नहीं करेंगे, जो भी हम यहाँ पर सिर्फ एल्कली की बात करेंगे, ठीक है, जो घुल जाते हैं, ध्यान से देखिए। तो स्ट्रॉ डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया था, ये एसिड 1 एसिड 2 वाला, यही सेम चीज आपको बेस 1 बेस 2 से करना है। अब यहाँ पर आपका H+ आयन निकल रहा था इस जगह पर, यहाँ पे आपका OH- दिखना है, तो सेम इसको आप पढ़िएगा, मैं क्या बताऊँ, ठीक है, वीडियो जल्दी खत्म करना है, सेम चीज है बस। यहाँ पे कोई NaOH का एक्वस है, 1 सेकेंड, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये Na+ OH- में टूट रहा है, तो बिल्कुल और कंटेन ऑलमोस्ट ओनली आयन्स, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं। वीक एल्कली कौन कौन से हैं, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही कम OH को रिलीज करते हैं, OH- आयन को रिलीज करते हैं, समझ में आ गया, काफी सिंपल था ये। अभी आप लोगों को फोर्थ थिंग है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझो, आपके यहाँ वो आता है ना मिल्क मैन दूध वाला, तो दूध में मिला तो पानी होगा ही, तो प्योर दूध तो लेता नहीं होगा, ठीक है। तो दूध में जब वो ज्यादा पानी मिला दे, मतलब दूध आपका हल्का हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसको बोलेंगे डाइल्यूट मिल्क, और जब वो पानी कम मिला है तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा, उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड मिल्क। ऐसा ही कुछ एसिड के साथ है, इधर एसिड हैविंग अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी वाले सॉल्यूशन में पानी कम एसिड ज्यादा, उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट वाले में क्या है, पानी ज्यादा एसिड कम, इन दिस एन एसिड हैविंग अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, कितना, कंसंट्रेशन less than 1 मोल पर लीटर। अभी मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे समझ में आ जाएगा, अभी इतना समझ जाओ, ठीक है। तो डाइल्यूट क्या होता है, हल्का एसिड, ऐसा एक्वस सॉल्यूशन एसिड वाला जिसमें पानी ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें एसिड ज्यादा हो पानी कम हो, ठीक है, सेम चीज बेस के साथ है, बेस के साथ एकदम सेम होता है, आपने एसिड पढ़ लिया बेस आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बेस में भी क्या, ओनली एल्कली, फिर से बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सारे बेस तो घुलते नहीं पानी में, आपको पता है एसिड सारे घुल जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके साथ भी क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली होना चाहिए उसमें और पानी कम होना चाहिए एक्वा सोल्यूशन में, तो उसको हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे, और डाइल्यूट वाले में एल्कली कम होगा पानी ज्यादा होगा, ऐसे को बोलेंगे डाइल्यूट एल्कली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही क्लासिफिकेशन, अभी एक और है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी,
ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसके बारे में भी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।